हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग मिस्टर अकाउंट्स। इस वीडियो में हम बीबीए एंड बीकॉम इन दोनों डिग्री कोर्सेज की डिटेल्स देखेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में हम इन दोनों कोर्सेज को कंपेयर करके ये देखेंगे कि दोनों में से आपके लिए कौन सा प्रेफर करना ज़्यादा अच्छा है। बीकॉम के बारे में बात करूं तो बीकॉम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। गाइस, ये जो डिग्री होती है ये नॉर्मली 3 साल की होती है, डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी कि अब ये जो 3 साल है वो सेमेस्टर में डिवाइड है या फिर ईयर्स में डिवाइडेड है। गाइस, यहाँ पर होता क्या है बेसिकली सेमेस्टर में कि जो आपके एग्जाम्स हैं वो इन 3 साल में 6 बार होते हैं, मतलब आपके जो मेन एग्जाम्स हैं वो 6 बार कंडक्ट किए जाते हैं यूनिवर्सिटी द्वारा। लेकिन कुछ स्टेट्स में और कुछ यूनिवर्सिटी के हिसाब से ऐसा होता है कि ये जो 3 साल का कोर्स है ये सिर्फ 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, मतलब आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो ईयरली बेसिस पर लिए जाते हैं एंड इस पूरे कोर्स में सिर्फ 3 बार होते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस कोर्स के सिलेबस की तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैथ्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस लॉज, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जीएसटी, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनका मकसद बस आपको अकाउंटिंग सिखाना है। अगर मैं बात करूँ इस बीकॉम के ओवरऑल कोर्स की तो गाइस, जो बीकॉम होता है इसका मकसद बस इतना है कि जो भी बच्चा इस डिग्री को प्रेफर कर रहा है और इस डिग्री को कंप्लीट कर रहा है उसको ये सारी तरीकों की अकाउंटिंग करते आना चाहिए। एंड अगर मैं बात करूँ कॉलेजेस की तो ऑल ओवर इंडिया बीकॉम प्रेफर करने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं। जैसे मान लीजिए आप एक रूरल एरिया में रह रहे हैं तो देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपके उस एरिया के नियरेस्ट जो भी शहर होगा वहां पर आपको एक बीकॉम का कॉलेज मिल ही जाएगा। एंड अगर आप ये चाहते हैं कि आपको बीकॉम एक बहुत अच्छे कॉलेजेस से करना है जहां पर आप सारी स्किल्स सीख पाए अकाउंटिंग की, तो फिर आपको एक बड़ी सिटी में जाना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं इन्हीं कॉलेजेस की फीस की तो गाइस, अगर आप बीकॉम एक सिंपल कॉलेज से कर रहे हैं तो आपका ये जो पूरा कोर्स है जो 3 साल का है, ये पूरा 3 साल का कोर्स 50,000 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर आप बड़ी सिटी से कर रहे हैं, आपको स्किल्स सीखनी है, आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको वहां पर 50,000 से 1.5 लाख तक की फीस इन पूरे 3 सालों में देनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं बीकॉम के फ्यूचर स्कोप्स की। तो गाइज, जैसे ही आप ये बीकॉम डिग्री कंप्लीट करते हैं देन आपके पास कुछ ऐसे रास्ते हैं जो आपको दिखेंगे। जो पहला रास्ता है वो है डायरेक्ट प्लेसमेंट का, जो कि अगर आप एक अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं बीकॉम तो आपको वहां से मिल जाएगी। एंड ये जो प्लेसमेंट होगी, यहाँ पर जो जॉब होगी वो पूरा का पूरा ऑफिस वर्क होगा, बिकॉज आपको जो पोस्ट मिलेगी वो एक अकाउंटेंट की मिलेगी, आपको किसी भी तरीके का फील्ड वर्क एज अकाउंटेंट नहीं करना पड़ता। अब अगर मैं बात करूं दूसरे रास्ते की तो इसी रास्ते को अपनाने के लिए बहुत सारे लोग बीकॉम प्रेफर करते हैं। तो ये रास्ता है सीए बनने का। यहां पर बीकॉम करने का एक बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है, वो ये कि आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना पड़ता। आप अपने ग्रेजुएशन के बाद, आप अपने बीकॉम के बाद डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हैं। बेनिफिट इसका ये होगा कि आपका ग्रेजुएशन भी हो गया, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप सी इंटरमीडिएट या सी ए फाइनल क्लियर नहीं कर पाए तो आपके पास एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो है जिसके बेसिस पर आप कोई दूसरे काम कर सकते हैं। एंड जो तीसरा रास्ता है वो बहुत ही सिंपल है कि आपने बीकॉम डिग्री कर ली, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके का गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं एंड ग्रेजुएशन के बेसिस पे जो भी जॉब्स निकलती हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं बीबीए की तो बीबीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कई ये जो कोर्स होता है ये भी एक डिग्री कोर्स है एंड यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन भी 3 साल की होती है। कई अब अगर मैं बात करूं एग्जाम्स की तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट्स, जैसे कि बीकॉम में ये था कि एग्जाम सेमेस्टर वाइज हो रहे हैं या फिर ईयर वाइज हो रहे हैं, यहाँ पर भी वही होता है। यहाँ पर अगर सेमेस्टर वाइज चलता है बीबीए तो एग्जाम्स आपके 6 बार होंगे, और अगर ईयरली पैटर्न चलता है तो आपके इस पूरे कोर्स में एग्जाम्स सिर्फ 3 बार होंगे। अब अगर मैं बात करूँ बीबीए के इंटायर सिलेबस की तो इन 3 सालों में आपको फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड एथिक्स, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज एंड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मैनेजमेंट जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। कई जो बीबीए है और इसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनका जो मकसद है वो ये है कि जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इस डिग्री को प्रेफर कर रहा है वो इस डिग्री के बाद एक स्किलफुल पर्सन बन जाए जो कि बिजनेस को बढ़िया तरीके से मैनेज कर सके एंड बिजनेस में होने वाली सारी की सारी एक्टिविटीज़ को हैंडल कर सके। कई ये जो पूरा का पूरा कोर्स है ये बहुत सारी तरीके की स्किल्स सिखाता है। इन सब्जेक्ट्स में कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जो कि आपको
लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूँ बीबीए के कॉलेजेस की, तो ऑल ओवर इंडिया बीबीए के बहुत सारे कॉलेजेस तो नहीं है, लेकिन आपको हर 3 सिटीज में एक सिटी में बीबीए के कॉलेजेस जरूर मिल जाएंगे। गाइस जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर बीबीए के कॉलेजेस अभी तो बहुत कम जगह हैं, लेकिन बड़ी सिटी में आपको ज़रूर बीबीए के बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं इन कॉलेजेस की फ़ीस की, तो अगर आप बीबीए को एक नॉर्मल कॉलेज से प्रेफर कर रहे हो तो आपका जो पूरा 3 साल का खर्चा है इस बीबीए का वो 1,00,000 रुपए के अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर आप बीबीए को एक एडवांस कॉलेज से कर रहे हो जहां पर आपको सारी स्किल्स बहुत अच्छी तरीके से सीखनी है, प्रैक्टिकली सीखना है सारी चीज़ें, तो गाइस यहां पर आपका 1,00,000 से लेके 3,00,000 रुपये तक का खर्चा इन कॉलेजेस में आ सकता है। अब अगर मैं बात करूं बीबीए डिग्री के फ्यूचर स्कोप्स की, तो बीबीए कंप्लीट करने के बाद आपके सामने 2-3 रास्ते खुल जाते हैं। जो पहला रास्ता है वो होता है बिजनेस का। गाइस अगर आपका कोई बिजनेस है एंड अगर आप उस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर एक कोई नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो मैं आपको टोटली रिकमेंड करूंगा कि आपको बीबीए जरूर करना चाहिए, बीकॉम की तरफ ध्यान मत दो। क्योंकि अगर आपको बिजनेस ही करना है और यहां पर सारी चीजें बिजनेस से रिलेटेड सिखाई जा रही हैं, तो आपको बीबीए ही करना चाहिए। बिकॉज अगर आपने बीबीए कर लिया और एमबीए करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो आप बीबीए के बाद ही इतने काबिल हो सकते हैं कि अपने बिजनेस को सही तरीके से संभाल पाए और अच्छे डिसीजंस ले सकें। जो दूसरा रास्ता है वो है डायरेक्ट प्लेसमेंट। गाइस बीबीए के कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो कि कंपनीज में डायरेक्ट प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। गाइस जैसे ही आप बीबीए को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद अगर आप में सारी की सारी स्किल्स हैं एक बिजनेस को मैनेज करने की, तो बहुत आसानी से आपका जो प्लेसमेंट है वो एक कंपनी में हो जाता है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, आपने बीबीए किया है एमबीए नहीं किया है, तो आपको जो जॉब मिलेगी वो बीबीए के हिसाब से ही मिलेगी। जो तीसरा रास्ता है वो है गवर्नमेंट एग्जाम्स का। गाइस आपने बीबीए कंप्लीट कर लिया है, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो आप सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है एंड आप कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं चाहते हैं, तो आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस अब हम जल्दी से दोनों को कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि आपके लिए कौन सा कोर्स प्रेफर करना ज़्यादा बेटर होगा। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कुछ चीज़ों को बेसिस मानकर। पर्सनल ग्रोथ के बेसिस पर देखा जाए तो जो बीकॉम है वो आपको किसी भी तरीके की पर्सनल ग्रोथ प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन वहीं अगर हम बीबीए की बात करें, तो बीबीए में आप कुछ ऐसी स्किल्स सीखते हैं जो कि लाइफ टाइम आपके काम आने वाली हैं। वहीं अगर हम अकाउंटिंग को बेसिस माने, तो गाइस जो बीकॉम है वो आपको अकाउंटिंग की स्किल्स प्रोवाइड करता है, लेकिन जो बीबीए है वो अकाउंटिंग के मामले में आपको किसी भी तरीके की स्किल्स प्रोवाइड नहीं करता। फीस के बेसिस पर देखा जाए तो जो बीकॉम है उसकी फीस बीबीए की कंपैरिजन में हमेशा कम होती है। जॉब के बेसिस पर अगर हम देखें तो जो बीकॉम है यहां पर जब भी आपकी जॉब लगती है तो आपको ऑफिस वर्क ज्यादा करना पड़ता है और फील्ड वर्क कम करना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बीबीए की, तो यहां पर आपको फील्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा और जो ऑफिस वर्क है वो कम होगा। प्लेसमेंट के बेसिस पर अगर देखा जाए तो कोई भी कंपनी जब बीकॉम में सिलेक्ट करने आती है स्टूडेंट को, तो वो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट में अकाउंटिंग एबिलिटी ढूंढती है। और वहीं अगर मैं बात करूं बीबीए की, तो बीबीए में जो कंपनी बच्चे को सिलेक्ट करने आती है वो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट में स्किल्स देखती हैं, डिसीजन मेकिंग की स्किल्स देखती हैं, मार्केटिंग स्किल्स देखती हैं, और ये देखती हैं कि जो बंदा है वो कितना इनोवेटिव है और आइडिया से कितना भरपूर है। बिजनेस और कैंपस प्लेसमेंट को छोड़कर ऑप्शंस आफ्टर ग्रेजुएशन के बेसिस पर देखा जाए तो बीकॉम के बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं एंड सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं बीबीए की, तो इसके बाद आपके लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो आप एमबीए कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला हूं बिजनेस और कैंपस प्लेसमेंट को छोड़ के। बिजनेस और कैंपस प्लेसमेंट को हमने इसलिए एक्सक्लूड किया बिकॉज ये दोनों चीजें बीकॉम में भी हो सकती हैं और बीबीए में भी हो सकती हैं। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने क्लास के बंदे और बंदियों में, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए बीबीए और बीकॉम के कंफ्यूजन को लेकर। गाइस एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोज देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।